मंदिर के पास आग लग गई है। प्रसाद के दुकानों में आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर, आपको बता दूं, आग पर काबू पाया है। लाखों रुपए की संपत्ति जो है वो जलकर खाक हुई है, इसकी जानकारी सामने आ रही है। तो उड़ीसा में भी अग्नि तांडव जो है वो देखने को मिला है। उड़ीसा के कोइजर में आग का तांडव जो है वो देखने को मिला। तारिणी मंदिर के आसपास जो है आग लगने की घटना जो है वो सामने आई है, और इसको लेकर जैसे ही आग लगी तुरंत दमकल विभाग को जो है वो सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के काम में जुट गई। तो उड़ीसा में अग्नि तांडव जो है वो देखने को मिला है, जहां आपको बता दूं तारिणी मंदिर के आसपास जो है तमाम प्रसाद के दुकानों में आग लगी है। और इसके बाद आपको बता दूं कि अफरा तफरी का माहौल था, बड़ी संख्या में लोग जो है वो इधर से उधर भागते हुए नजर आए थे, पैनिक का माहौल था। लेकिन उसके बाद आपको बताऊं कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की है। लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो उड़ीसा के प्रसिद्ध तारिणी मंदिर के पास ये वारदात जो है वो हुई है। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भयानक स्थिति उस वक्त रही होगी जब आग की चपेट में मंदिर के आसपास के तमाम दुकान नजर आ रहे थे। अक्षय जयसवाल हमारे सहयोगी उड़ीसा से तमाम अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। अक्षय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? यह जो मंदिर के पास जो दुकान है जिसमें भोग के सामान मिलता है, जिसको लेकर जो भक्तों आते हैं वो लेके माँ के पास भोग लगाते हैं, उस भोग के दुकान में बहुत भयानक आग लगा हुआ है। और आग लगभग जो दुकान थे दुकान जलकर राख हो गया है। जी बता दें तो ये देर रात में ये घटना घटा है। देर रात में पूरे जो भोग मंदिर के परिसर में जो भोग बिकने वाला जो दुकान है वो दुकान में आग लगा हुआ था। तो आग को काबू पाने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करने के बाद जो दमकल जो फायर टीम है वो आग में काबू पा लिए हैं। फिर भी बहुत जो भोग बिकने वाले दुकान था बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं, और जो पास में दुकान था दुकान बहुत सारे दुकान था दुकान स्प्रेड हो जो स्प्रेड होने का चांसेस था उसको भी काबू पा लिए हैं दमकल टीम ने। फिर भी इतना भयानक आग जब ये मंदिर परिसर के दुकान है दुकान में लगा हुआ था तो काफी मात्रा में स्प्रेड अप हो सकता था। इसके अलावा इस पूरे मामले में किसी प्रकार के जान के नुकसान की जानकारी भी अब तक आई है या केवल जो माल है उसका नुकसान हुआ है? जी देखिए अभी तक तो जानकारी ये नहीं आई है कि नुकसान कितना हुआ है, और जानवान की नुकसान का अभी तक अपडेट कुछ नहीं है। फिर भी ये बता नहीं जा सकता कि हुआ है या नहीं। फिर भी जो दुकान था दुकान में जो सामान था वो सामान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और दुकान पूरा जलकर राख हो गया है। इसके अलावा अब इस वक्त क्या स्थिति है? आसपास के तमाम दुकानों को एहतियातन उस वक्त खाली करा दिया गया, और चूंकि प्रसिद्ध मंदिर भी है तारिणी मंदिर और नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी वहां पहुंच रहे होंगे। जी जरूर, ये तारिणी मंदिर है, आस्था है, विश्वास है लोगों का, इसीलिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, मन्नत मांगने के लिए आते हैं, इसीलिए तो यहाँ ज्यादा भीड़ होता है। इसीलिए जो दुकानदार है दुकानदार भी ज्यादा सामग्री रखते हैं क्योंकि मंदिर परिसर में सब कुछ उपलब्ध हो, जो भक्त आते हैं उसको उनको भी परेशान झेलना ना पड़े कि यहाँ से खरीदारी करके मंदिर परिसर में जाके माँ को पूजा अर्चना कर सके। फिर भी ये रात देर रात में ये घटना हुआ है, और इस घटना में अब पूरे जो दुकान था दुकान जलकर राख हो चुका है, और कुछ अभी तक अपडेट नहीं है कि कितने संपत्ति कितने
ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अक्षय जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से उड़ीसा के तारिणी मंदिर के आसपास की दुकानों में आग जो है वो लगी है, और उसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाने में कामयाब हुई है टीमें। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि लाखों के नुकसान की आशंका जो है वो जताई जा रही है। और आगे बढ़ते हुए इजरायल